हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कैंडिस किचन। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँ बहुत ही टेस्टी 5 मिनट में बनने वाली मसाला मिर्ची की रेसिपी। की खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, तो चलिए इन मिर्चियों को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ली है मिर्ची। इन्हें पानी से अच्छे से वॉश करने के बाद इसे कपड़े से इस तरह मैंने साफ़ करने के बाद चाकू से इस तरह बीच में इसके कट लगा देंगे। अगर मिर्ची के अंदर ज़्यादा बीज हो तो वो निकाल लें, अगर कम हो तो इसे ऐसे ही रहने दें और सारी मिर्ची को हम इसी तरह कट करके तैयार कर लेंगे। तो सारी मिर्ची को इस तरह मैंने बीच में कट लगाकर तैयार कर लिया है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने गैस पर एक कढ़ाई, इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच ऑयल। इसके बाद जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए इसके अंदर डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा, साथ इसमें डालेंगे थोड़ी सी हींग और 1/2 चम्मच इसमें डालेंगे कलौंजी। इसके बाद इसमें डालेंगे मिर्ची जो हमने बीच में कट करके रखा था। इन सारी मिर्ची को कढ़ाई के अंदर डाल देंगे और एक बार चम्मच से इसे अच्छे से इस तरह मिक्स कर लेंगे और मिर्ची को 1 मिनट के लिए ढककर अच्छे से इस तरह पका लेंगे। तो इस तरह मैंने ढकने के बाद इसे एक बार चेक कर लेता हूँ, तो हमारी मिर्ची है वो अच्छे से इस ऑयल के अंदर फ्राई हो चुकी है। तो चलिए इसके अंदर थोड़े से मसाले ऐड करते हैं। तो इसमें मैंने डाला है 1/2 चम्मच धनिया पाउडर और साथ इसमें डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी सी डालनी है। साथ ही हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर ताकि जो मिर्ची का जो कलर है वो बहुत ही बढ़िया है। ज़्यादा नहीं डाला, बस कलर के लिए ही मैंने इसके अंदर थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर डाला है। इसके बाद इसमें डालेंगे हम टेस्ट के हिसाब से नमक और इसके बाद इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा हल्दी पाउडर और इसके बाद इस चम्मच से इसे एक बार अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। आँच को धीरे ही रखेंगे और धीरे आँच पर इन मसालों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसमें डालेंगे हम 1/2 कटोरी से थोड़ा सा कम इसके अंदर डालेंगे हम पानी और ताकि ये मसाले चले नहीं। बस इसके बाद इसे चम्मच से मिक्स कर देंगे और इस मिर्ची को 1 से 2 मिनट के लिए और अच्छे से पका लेंगे। तो 1 से 2 मिनट हो चुके हैं और हमारी जो मिर्ची है वो बनकर तैयार हो चुकी है। जब मिर्ची अच्छे से पक जाए तब हम इसके अंदर डालेंगे 1/2 चम्मच चाट मसाला और साथ इसके अंदर डालेंगे 1/2 चम्मच अमचूर। अमचूर की जगह आप नींबू का भी यूज कर सकते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह हमारी जो ये टेस्टी सी जो मिर्ची है वो बनकर तैयार हो चुकी है। तो ये लीजिए, हमारी जो टेस्टी सी मसाला मिर्ची है वो बनकर तैयार हो चुकी है। इसके बाद गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे हम प्लेट के अंदर या फिर बाउल के अंदर इसे सर्व कर देंगे। हमारी जो मिर्ची दिखने में जितनी अच्छी है उतनी खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है। तो आपको मेरी ये मसाला मिर्ची की रेसिपी कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।